चलिए अब आपको ले चलते हैं इंदौर, क्योंकि यहां पर जीएसटी को लेकर कपड़ा कारोबारियों ने एक अनोखा तरीके का प्रदर्शन किया। कपड़े पर जीएसटी 5% से 12% करने के खिलाफ इंदौर के कपड़ा कारोबारियों ने शोरूम की बत्तियां बुझाकर 20 मिनट तक नारेबाजी की। इस दौरान साई के भजन की तर्ज पर पीएम मोदी से गुहार भी लगाई। यूं तो शाम ढलते ही कपड़े के शोरूम रोशनी की चकाचौंध से भरे होते हैं, लेकिन इंदौर में कल अलग ही नजारा था। शाम के 7 बजते ही गारमेंट शोरूम की बत्तियां बुझ गईं और कपड़ा कारोबारी सड़कों पर नारेबाजी करने उतर गए। इंदौर के कारोबारी कपड़े पर जीएसटी 5% से 12% करने का विरोध कर रहे हैं। साईं बाबा के भजन की तर्ज पर पीएम मोदी से जीएसटी मुक्ति की फरियाद भी हो रही है। जो जीएसटी बढ़ेगी तो महंगाई चरम पे होगी, रोटी कपड़ा मकान से कपड़ा गायब हो जाएगा। हिंदुस्तान का 135 करोड़ जनता पे इसका इफेक्ट आने वाला है। हम 25 करोड़ लोग हैं व्यापारी, हमसे जुड़े लोग 25 करोड़ होंगे, लेकिन 135 करोड़ लोगों पे ये भार आएगा। इसलिए 25 करोड़ की आवाज है, इस काले कानून को वापस लेना होगा। इंदौर में ये अनोखा प्रदर्शन शाम 7 बजे से 20 मिनट तक चला। 16 दिसंबर को इंदौर के कारोबारियों ने थाली बजाकर बढ़ी हुई जीएसटी के खिलाफ अपना विरोध जताया था। फिर 2 दिन बाद 18 दिसंबर को कपड़ा कारोबारियों ने शोरूम में लगे पुतलों को काले कपड़े पहनाकर सांकेतिक विरोध किया और अब जीएसटी के खिलाफ 20 मिनट का ब्लैकआउट। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक।